रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहज़ाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड टू का यूनिट नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज हेल्पिंग अदर्स। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। शेयरिंग यानी कि बांटना। हाउ मेनी टॉयज डू यू हैव, आपके पास कितने खिलौने हैं। इफ़ योर फ्रेंड्स वॉन्ट टू प्ले विद योर टॉयज विल यू गिव देम टू प्ले, क्या अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ किसी खिलौने से खेलना चाहे तो क्या आप उसको अपना खिलौना देंगे। एवरीबडी डज नॉट हैव एवरी थिंग, सो वी शुड शेयर आर थिंग्स विद अदर्स। वेन समवन नीड समथिंग वी शुड शेयर आर थिंग। शेयरिंग मेक्स अदर हैप्पी, शेयरिंग मेक्स योर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर। हर किसी के पास हर चीज़ नहीं होती और हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बांटें। अगर किसी को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ वो बांटें। बांटने से दूसरे लोग खुश होते हैं, बांटने से दोस्ती मजबूत होती है। वट वी कैन शेयर विद अदर्स, हम दूसरों के साथ क्या बांट सकते हैं। वी कैन शेयर आर टॉयज, वी कैन शेयर आर पेंसिल्स एंड इरेजर्स, वी कैन इवन शेयर आर लंच। हम अपने खिलौने बांट सकते हैं, हम अपने पेंसिल और रबड़ बांट सकते हैं और हम अपना लंच भी बांट सकते हैं। जी पेज नंबर 44 पे, जी बच्चों से कहें कि वो आपको कोई एक ऐसा वाक्या बताएं जिसमें उन्होंने अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे के साथ शेयर की हो। अब हेल्पिंग अदर्स। Once Hassan was very upset. He was sitting sad. His sister Hafsa asked him about his problem. Hassan told her that his football had been misplaced. I searched but couldn't find it. Hafsa helped him search for the football. Soon he found it under the bed. Hassan was very happy by getting the ball. जी यहाँ पे देखिएगा, एक बच्चा है, वो बहुत उदास बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? हसन बहुत परेशान था। एक दफ़ा वो बहुत उदास बैठा हुआ था, उसकी बहन हफ्सा ने उससे पूछा कि वो उदास क्यों है, तो उसने बताया कि वो अपना फुटबॉल कहीं गुमा चुका हुआ है। उसने हर जगह देखा है लेकिन उसको फुटबॉल नहीं मिला। हफ्सा ने फुटबॉल ढूंढने में उसकी मदद की और जल्दी उनको फुटबॉल मिल गया, वो भी बेड के नीचे से। हसन फुटबॉल लेकर बहुत खुश हुआ। अब चलते हैं पेज 45 पे। फातिमा एंड आमना वर क्लास फेलोज। वन डे फातिमा फॉरगॉट हर पेंसिल एट होम, शी वॉज वेरी वरिड। आमना हैड टू पेंसिल्स, शी गेव वन पेंसिल टू द फातिमा, फातिमा थैंक्ड हर। जी आमना और फातिमा दोनों हम जमात हैं। एक दिन फातिमा अपनी पेंसिल घर भूल गई थी और बहुत परेशान थी। आमना के पास दो पेंसिल्स थी तो आमना ने अपनी एक पेंसिल फातिमा को दे दी, फातिमा ने उसका शुक्रिया अदा किया। अगली तस्वीर देखिएगा। Always help others when you go outside the house. There are your siblings, parents and grandparents at home. Always help them when they need. जी जब भी आप घर से बाहर जाएं तो लोगों की मदद करें। आपके घर में आपके बहन भाई, वालदैन और आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी भी आपके साथ रहते हैं, उनको भी जब आपकी हेल्प चाहिए हो तो उनकी लाजमी मदद कीजिए। पेज 46 पे एक पिक्चर है। देयर मे बी नेचुरल डिज़ास्टर्स इन आर लाइफ। नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वॉलकैनो, स्टॉर्म्स, डिजीज़ लाइक COVID-19। इन द टाइम ऑफ दीज डिज़ास्टर वी शुड हेल्प ईच अदर। जी तस्वीरों में देखें, एक बुज़ुर्ग नीचे गिर गए हैं, उनकी स्टिक भी गिर गई है, बच्चे उनको उठा रहे हैं। स्कूल में एक बच्चे को चोट लग गई है, वो बच्चे उसकी मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ कुदरती आफात भी हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं, जैसे कि जलजले आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, आपकी आंधी और तूफान आ सकते हैं, कुछ बीमारियां फैल सकती हैं जैसे कि COVID-19 फैला हुआ था। हमें चाहिए कि हम इन कुदरती आफात में एक दूसरे की मदद करें। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये खंभा गिर गया है गाड़ी पर। अब नीचे एक हमारे पास एक्टिविटी है हेल्प करने की मदद। यहाँ पर आप बच्चों से पूछेंगे कि क्या कभी उन्होंने किसी की मदद की है और वो एक स्टोरी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कभी किसी की मदद की हो। ठीक है, हर बच्चे को वन बाय वन क्लास में बुलाएं और उनसे उनकी स्टोरी सुने। अगर किसी के पास कोई स्टोरी नहीं है, उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, तो उनको कहें कि दूसरों की मदद करना स्टार्ट करें। पेज नंबर 47 पे, वी आर इंटरडिपेंडेंट। जी वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट यानी कि हम सब एक दूसरे के ऊपर मुनहसर करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इन्हसार करते हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। वी नीड ईच अदर, वी कैन नॉट डू ऑल आर टास्क हेल्प आर सेल्फ। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हम अपना हर काम अकेले नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिपेयर ओवर व्हीकल, हम अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकते। वी नीड अ मकैनिक, हमें उसके लिए एक मकैनिक की ज़रूरत है। इफ़ वी आर इल, वी नीड अ डॉक्टर।
अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। द डॉक्टर कैन नॉट कंस्ट्रक्ट हिज हाउस, डॉक्टर अपना घर खुद नहीं बना सकता, उसको किसी मजदूर की ज़रूरत है। ही नीड्स अ मेसन, अ मेसन कैन नॉट ग्रो वेजिटेबल्स एंड फूड, वो मजदूर फल और सब्जियां नहीं उगा सकता। ही नीड्स अ फार्मर, उसको किसी किसान की ज़रूरत है। वी ऑल नीड ईच अदर, हमें हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हम पेज 47 पे एक चार्ट बनाएंगे। हम अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। हर ग्रुप डेली लाइफ में से कोई से 3 लोगों को सेलेक्ट करेगा और ये बताएगा कि वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर ये चार्ट आप क्लास में प्रेजेंट करोगे और अपनी क्लास में लगाओगे। यहाँ पर अगली एक्टिविटी में हम टीचर्स को कहेंगे, यहाँ पर हम टीचर्स को कहेंगे कि वो अपनी क्लास में से 4 बच्चे लें और उनको डिफरेंट नाम दें। किसी को टीचर का नाम दें, किसी को डॉक्टर का, किसी को फार्मर का और किसी को फार्मर का और किसी को मेसन का, और फिर वो ये रोल प्ले एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।